इंदौर में कांग्रेस नेताओं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर संभाग आयुक्त व पवन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वेंटिलेटर की कमी, जीवन रक्षक इंजेक्शन के मनमाने दाम और निजी अस्पतालों की लूट खसोट का मुद्दा संभाग कमिश्नर के सामने रखा है। इंदौर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, प्रेमचंद गुड्डू और सदाशिव यादव बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संभाग आयुक्त पवन शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने निजी अस्पतालों में वसूली जा रही मनमानी राशि, जीवन रक्षक इंजेक्शन के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने दाम और वेंटिलेटर की कमी का मुद्दा उठाया है। संभागायुक्त पवन शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, अस्पतालों में बेड की कमी भी नहीं है और मरीजों के उपचार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान महू में कंटेनमेंट बोर्ड के अस्पताल को कोविड-19 के लिए तैयार किए जाने की मांग भी की, जिस पर संभागायुक्त पवन शर्मा भी सहमत दिखाई दिए। इस मांग को लेकर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने महू फोन लगाकर जल्द ही इस मांग को पूरा किए जाने की तैयारी शुरू की है। उनको बेड उपलब्ध करा पा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी उपलब्धता लगातार सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मैं प्रशासन और कलेक्टर से चर्चा करके विल ट्राई टू सी कि सबको ये उपलब्ध है। सर, महू में अस्पताल को लेकर आपने ये कोविड अस्पताल चालू हुआ है सर? नहीं, महू में इन्होंने कहा है कि एक आर्मी का कैंटोनमेंट बोर्ड में हॉस्पिटल है, तो अपन वहाँ के जो कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रशासक और सीओ होते हैं उनसे बात करेंगे और अगर उसमें कोविड के पेशेंट लिए जा सकते हैं तो उनसे बात करेंगे, पर वो चूँकि उनका जो कंट्रोल है वो आर्मी कैंटोनमेंट के पास है तो उनसे बातचीत करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सर, चाचा ने बहुत शिकायतें आती है, देखो आपको पता है सर, सवाल पूरा सुन लीजिए कि लूटमार की शिकायतें आती, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोविड को पर्टिकुलर लेकर उसके रेट तय कर दिए जाए कि इससे ज़्यादा रेट कोई हॉस्पिटल नहीं ले पाए, तो ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से हो सकती है क्या? कोविड के रेट तय कर दिए गए हैं, जांच के रेट तय कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल स्टे के मापदंड तय कर दिए गए हैं, कमरे के रेट तय कर दिए गए हैं। अब जो दवाई है टोटल रेट इसलिए तय कर नहीं जाता कि किसी एक पेशेंट को सामान्य दवाई दी गई, बी पेशेंट को रेमडेसिविर दिया गया, सी पेशेंट को जो टॉसिलो जनाब जो भी एक है वो दिया गया और डी पेशेंट को IgG दी जाती है जब टॉसिलो जनाब नहीं मिलता है, जिसका शायद पर ग्राम या कुछ रेट होता है या प्लाज्मा थेरेपी की जाती है। तो ये चार जो तरीके हैं चारों के रेट अलग हैं, तो प्रशासन यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकता कि किसी मरीज को क्या दिया जाए और उसके क्या रेट होंगे, पर जब भी हमने बाकी सब रेट तय कर दिए हैं और ICU वेंटिलेटर सबके रेट तय कर रखे हैं, उसके बावजूद भी जैसे हमें पता चलता है कि कहीं कमी है या किसी मरीज के साथ होता है तत्काल हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अभी कैंसर पेशेंट्स का इलाज जारी रहेगा? अभी वहाँ चल रहा है। सोचा क्या है, अगर मान लीजिए अचानक, मैंने कहा ना सुपर स्पेशलिटी जैसे ही फूल होने की स्थिति आए मैं चाचा नेहरू चालू करेंगे, चाचा नेहरू जैसे फूल होने की स्थिति आए मैं कैंसर को चालू कर देंगे, तो ये क्रमशः है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्लानिंग क्या है कि जब यही कैंसर जब चालू होगा तो कैंसर के पेशेंट को वो फिर एक फ्लोर उसका कैंसर वार्ड शिफ्ट है। जैसे अभी एक पिछले दो महीने में या तीन महीने में जब अप्रैल और मार्च और मई में जरूरत थी तो उस टाइम पर बोरिंग नहीं हुए हैं, लेकिन इस टाइम पर बोरिंग हुए हैं और जितना काम है, मैंने हम लोग भी विपक्ष में भी रहे जो सत्ता में भी रहे, नगर निगम में हम लोग पार्षद भी रहे संजय भाई हम लोग, तो उस टाइम भी रमेश सिंधोला भी हमारे साथ पार्षद, तो हम लोग ये रखते थे कि भाई 60-40 का हम तो रेशो कम से कम करता जैसा हुआ, तो आपको इस पर जगह रखना चाहिए। कमिश्नर कलेक्टर ने वोटर लिस्टों को लेकर निर्वाचन अधिकारी का अथॉरिटिंग अधिकारी होता है, अभी वोटर लिस्टों में हम शिकायत करते हैं पेंडिंग होती है, आज तक उसकी कोई म्यूनिसिपैलिटी ने अपने अंदर 6,000 शिकायतें की अलग अलग नाम से, अलग इंडिविजुअल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कमियां निकालते हैं, हमला हमारा भी लगता है और वहां पे जाके पेंडिंग हो जाता है, ये गलत याचिका लगे हाईकोर्ट में उसके दिशा निर्देश हुए उसको मानने को तैयार, तो ये सब बातें हैं इसको आप संज्ञान में लो। फोन आता है कि सर ले ना ले, हालत खराब है, फिर होता भैया तुम इसको नहीं लेना है, ले लिया ना, उसके लिए मास्टर प्लान लेना है, मैं उनके लिए और बड़ी अपने तादाद बड़े सर लेना चाहिए, ऐसा कोई मानवता है नहीं, नहीं वो तो उसके लिए मरा मरी करना है, वो लेना ही है, उसके लिए व्यवस्था बड़े सर वेट नहीं किसी एक पर्टिकुलर में, जैसे तो मैं डोनेट करवा दूंगा,
पर उसे आपको वहाँ मिलिट्री प्रशासन से उनसे ब्रिगेडियर साहब से बात करके, पर वो अपने कोविड पेशेंट तो रख रहे हैं। कौन? जो आर्मी के लोग कोविड में पॉजिटिव आए। नहीं, वो आर्मी हॉस्पिटल अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड का नया हॉस्पिटल बना है। अच्छा, उसको बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, अगर उसको कोविड में सिविलियन है उनका। प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष है, ऑब्जर्वर्स जैसा उन्होंने कहा, अभी जब चुनाव की आचार संहिता घोषित होती है उसके पश्चात केंद्र सरकार से ऑब्जर्वर आते हैं, केंद्र के अधिकारी आते हैं, इलेक्शन कमीशन से ऑब्जर्वर आते हैं, जो देखते हैं कि निष्पक्षता किसी भी रूप में प्रभावित ना हो, और अगर निष्पक्षता प्रभावित होती है तो तत्काल उसको ठीक किया जाता है। तो आप सुनिश्चित रहें, प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तत्पर है और कराया जाए। थैंक यू कमिश्नर सर। कोविड तो वहाँ का जो फुटफॉल है उसे हम कहाँ पे देखो, चाचा नेहरू पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, आपको जानकारी होगी, तो एक फ्लोर MY का पीडियाट्रिक कर दिया है, तो वहाँ का पीडियाट्रिक पेशेंट है वो चाचा नेहरू से वहाँ जाएगा। अभी चाचा नेहरू को आरंभ नहीं किया, तैयार कर दिया है, क्योंकि अभी इस पर फैसिलिटी में भी बेड खाली है, पर कल को आवश्यकता पड़ेगी तो हम तत्काल इसको भी आरंभ करेंगे, और इसलिए अब चाचा नेहरू में नए पेशेंट लेने हमने बंद कर दिए हैं और उनको वहाँ रखा हुआ है। ऑक्सीजन लाइन डल चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, जैसी आवश्यकता होगी अपन उसको वही के उसके एक फ्लोर को कैंसर कर देंगे, पेशेंट को असुविधा नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे MY हॉस्पिटल को अभी भी हमने जनरल हॉस्पिटल के रूप में बचाया हुआ है, जो लगभग 1200 बेड का हॉस्पिटल है, इसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, अन्यथा दूसरे दीगर हॉस्पिटल्स में अंदर हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं। सर, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा है। रिपोर्ट, CNN News।